तो फाइनल लॉन्च हो चुका है रेडमी का नोट 9 इंडिया में। आज की वीडियो में बात करने वाले इसी फोन के फुल स्पेसिफिकेशन, लॉन्चिंग डेट मतलब सेल कब से स्टार्ट होने वाला है और कब से भला आप ये फोन परचेस कर पाओगे। सबसे अच्छी बात क्या है, प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव रखी है रेडमी ने, तो वीडियो को प्लीज टिल द एंड देखना। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का हो सकता है। अगर आप वेट करते हैं कैसा स्मार्टफोन का जिसमें आप गेमिंग तो कर ही पाओ और साथ में ऑलराउंडर हो ना, तो वीडियो को प्लीज टिल द एंड देखना। रेडमी नोट 9 बहुत लोगों का इंतजार था, तो कुछ उसी की तरह प्राइसिंग भी रेडमी ने रखा है, तो वीडियो तो देखना बनता है ना। तो आज की इस वीडियो का लाइक है 200 लाइक है, तो प्लीज लाइक कंप्लीट कर देना। और ऐसे कमाल के वीडियोस रोजाना देखना चाहते हो उसमें को सब्सक्राइब करो यार, कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री सब्सक्राइब हो ही जाएगा। तो चलो फिर शुरू करें। तो फ्रेंड्स फाइनली आ चुका है Redmi का नोट 9 इंडिया में। बात करते कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर कि क्या आपको इस फोन में देखने को मिलता है। तो 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस फ्लैट डिस्प्ले है, जो आपको आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ में, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सेल्फी कैमरा को मिल जाता है पंच होल में, जो बहुत ही अच्छा है। 13 MP का आपको सेल्फी मिल जाता है। बहुत ही अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 की कोटिंग डिस्प्ले के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है और आपको प्रोटेक्शन भी बहुत ही अच्छा ही मिल जाएगा। तो अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, मतलब फुल HD प्लस फ्लैट 1080p डिस्प्ले है। सेम प्राइसिंग में नार्जो 10 लॉन्च हुआ था, जो आपको देखने को मिल रहा था HD प्लस डिस्प्ले के साथ में, लेकिन Xiaomi ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बैक साइड में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 MP का है, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, जो आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, थर्ड कैमरा 2 MP का, जो आपको एक डेप्थ लेंस है, एंड लास्ट कैमरा आपको 2 MP का मिल जाता है, जो आपको एक माइक्रो लेंस है। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, 5020 mAh का बैटरी है, जो सपोर्ट करता है 22.5 W की फास्ट चार्जिंग, जो बहुत ही अच्छी बात है, और बॉक्स में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, जो और भी अच्छी बात है। तो ये फोन आपको देखने मिलता है 3 RAM वेरिएंट में, 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज, 4 GB RAM 128 GB स्टोरेज और 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज में, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। प्राइसिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वेट करना। कंक्लूजन में मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं इसमें के प्रोसेसर के ऊपर, इसमें आपको देखने को मिलता है MediaTek का एक नया प्रोसेसर, जो इंडिया में फर्स्ट लॉन्च हुआ है Redmi Note 9 के साथ में, MediaTek का हीलो G85, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आपको 10 times ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा प्रीवियस जनरेशन के Snapdragon 665 के साथ में, जो आपको Redmi Note 8 में मिला था, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो इसका बेंचमार्क स्कोर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल गया है, तो गेमिंग में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर देगा। तो आप अगर वेट करते हैं गेमिंग स्मार्टफोन का नाम 12 से लेकर 14 हज़ार के अंदर, तो ये आपके लिए परफेक्ट फिट होने वाला है। तो फाइनली ये फोन आ चुका है, 24 तारीख से इसका सेल स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं 24 तारीख को रियलमी का 6i भी आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रियलमी 6i 24 तारीख को आ रहा है, तो इसका भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो आप बताते हैं इस फोन की प्राइसिंग के ऊपर, भला किस प्राइसिंग में आपको ये इंडिया में देखने को मिला है। तो 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज आपको 11,999 मतलब 12,000 में देखने को मिला है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सेम प्राइसिंग में नार्जो 10 इंडिया में आया था, जिसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले था और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन किया गया था, लेकिन Xiaomi का Redmi Note 9 जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में आता है, 12,000 में आपको 4 GB 64 GB वेरिएंट मिल जाता है। तो अगर आप 13,500 रुपये मिलाते हैं, तो आपको 4 GB 128 GB मिल जाएगा, और अगर आप 14,999 मिलाते हैं मतलब 15,000 रुपये, तो आपको 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज मिल जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो कुछ इस तरह के प्राइसिंग के साथ में आया है। बहुत ही जल्दी मैं ये वीडियो बनाया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने के लायक नहीं है, लेकिन आपको तो इन्फॉर्म करना जरूरी था ना। तो जिस तरह का वीडियो निकल गया है Redmi Note 9 के लॉन्च का, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये प्राइसिंग अच्छा लगा या आपको कैसा लगा प्राइसिंग वो भी मुझे कमेंट कर देना। पर्सनली मेरे को प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो दे ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स पे वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।